हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। सो अभी विंटर का टाइम चल रहा है और सभी ढूंढ रहे हैं कि स्नो कहाँ मिलेगी, भी स्नो कहाँ मिलेगी। तो इस बार तो अभी कुछ ऐसा मौसम रहा है कि पहाड़ों में स्नोफॉल ना के बराबर हुई है। तो ऐसे में अगर आपने स्नो को एंजॉय करना है तो हमें कहाँ जाना होगा और ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये पहले हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। तो भी आप लोगों ने शायद सुना होगा कि पिछले साल जुलाई अगस्त में जो हिमाचल में काफी ज्यादा बाढ़ आई थी वो सब कुछ, और आज जो हो रहा है कि वहां पर स्नोफॉल ही हो नहीं रहा, ये सब कुछ सेम डिस्टरबेंस के कारण ही चल रहा है। इन्वायरमेंटल एक इफेक्ट है जिसको हम बोलते हैं अलनीनो इफेक्ट। ये जो अलनीनो इफेक्ट है इसी का ही मेन चक्कर है, भी इसी के कारण ये एक डिस्टरबेंस क्रिएट हुई है पूरे एनवायरनमेंट में, जिसके कारण ना तो पहाड़ों में स्नोफॉल हो रही है और जो पीछे पहाड़ों में इतनी ज्यादा बाढ़ आई थी वो भी सेम रीजन के कारण हुआ था। ठीक है, तो पहाड़ों में स्नोफॉल इस बार काफी कम हुई है, बट फिर भी कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर आपको स्नो मिल सकती है। तो मैं आपको कुछ ऐसे प्लेसेस बता देता हूँ जहां पर आपको स्नो मिल सकती है या फिर आप स्नोफॉल को भी शायद एंजॉय कर पाए। तो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले जिन जगहों पर रिसेंटली स्नोफॉल हुआ है। इनमें से आप लोग सबसे पहले जा सकते हैं नारकंडा, जो कि शिमला से थोड़ा सा आगे है। शिमला से 2-2.5 घंटे का रास्ता है नारकंडा, बहुत ही अच्छी जगह है, वहां पर भी आपको स्नो देखने को मिल सकती है। ठीक है, क्योंकि नारकंडा काफी ज्यादा ऊंचाई पर है तो वहां पर कई बार तो अचानक ही स्नोफॉल हो जाता है, जैसे कि हम पिछले साल भी वहां पर गए थे, उससे पिछले साल भी हम लोग वहां पर गए थे, दोनों बार ही हमें वहां पर अच्छी स्नो देखने को मिल गई थी, तो काफी अच्छा हमारा एक्सपीरियंस वहां का रह चुका है। तो नारकंडा आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है जहाँ पर स्नो भी मिल सकती है, ज्यादा दूर भी नहीं है, रोड भी अच्छे हैं, तो आपके लिए काफी कुछ इंजॉय हो जाएगा। शिमला से नारकंडा के रास्ते में आप लोगों को फागू कुफरी जैसी जगहें मिल जाएगी, वो भी काफी अच्छी प्लेसेस हैं स्नो को इंजॉय करने के लिए। ठीक है भी, और नारकंडा में अगर आप लोग जाएंगे तो वहां से थोड़ी सी ऊपर वो मिल जाएगी हाटू पीक, वहां पर एक बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है, आप लोग वहां पर भी जरूर जाएं। अब इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है हिमाचल में ही किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में आप लोग जा सकते हैं चितकुल। तो चितकुल एक काफ़ी अच्छी लोकेशन है, वहां पर स्नो मोस्टली रहती ही है। हम लोग जब लास्ट ईयर वहां पर गए थे दिसंबर में तो हमें बहुत सारी वहां पर स्नो मिली थी, बट इस साल अभी तक जो भी कंडीशंस हैं तो आई थिंक वहां पर कुछ ज़्यादा नहीं स्नो होगी, बट वहाँ पर स्नोफॉल होने के चांसेस हैं। अगर मौसम में कुछ बदलाव आते हैं तो वहाँ पर तो स्नोफॉल हो ही जाती है। ठीक है, तो आप लोग अगर स्नोफॉल ना भी हुई ना भी तो चितकुल को एंजॉय आप लोग ज़रूर करेंगे, इतनी अच्छी प्लेस है। तो हिमाचल में शिमला से आपको 200-250 किलोमीटर आगे ये जगह मिल जाएगी। तो शिमला से आप लोग जाएंगे टुवार्ड्स दी नारकंडा, नारकंडा से रामपुर, रामपुर से आगे फिर आप लोग चले जाएंगे रेंकोंग पीओ की तरफ, जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का मेन शहर है और उसके पास ही आता है चितकुल, वहां से 30-35 किलोमीटर है। एंड आल्सो इसी में आप लोग ऐड कर पाएंगे रेकोंग पीओ के पास पड़ता है, बहुत ही अच्छी लोकेशन है, दैट इज दी कल्पा। कल्पा एक छोटा सा विलेज है जहां से आपको किन्नर कैलाश माउंटेन रेंज के बहुत ही अच्छे व्यूज देखने को मिलते हैं, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो आप लोग ये पूरा एक कंप्लीट टूर अपना प्लान कर सकते हैं, चितकुल कल्पा एंड वापसी में आप लोग आ सकते हैं नारकंडा। तो इन सभी प्लेसेस पर स्नोफॉल होने के चांसेस हैं, अगर ना भी हुआ तो एंजॉय आपका जरूर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप लोग जाना चाहते हैं मनाली की तरफ, क्योंकि मोस्टली टूरिस्ट 80% टूरिस्ट को सिर्फ मनाली का पता होता है, फिलहाल तो मनाली में आपको बिल्कुल भी स्नो देखने को नहीं मिलेगी, मतलब एक बार भी अभी तक स्नोफॉल वहां पर हुआ नहीं है। मनाली से आगे जाना होगा आप लोगों को लाहौल वैली में, लाहौल वैली में भी इस बार काफ़ी कम स्नोफॉल है, बट ये है कि वहां पर आपको रोड साइड में कहीं ना कहीं स्नो थोड़ी बहुत खड़ी तो मिल ही जाएगी। ठीक है, मतलब लाइव स्नोफॉल चाहे ना मिले बट थोड़ी बहुत आसपास कहीं ना कहीं स्नो तो होगी ही। लाहौल वैली में आप लोग आगे तक जा सकते हैं, वहां पर आप लोगों को सिसु, ठीक है ना, फिर आगे वहां पर आता है जिस्पा, मेन जो उसके टाउन है किलोंग जिस्पा, वहां तक अगर आप लोग जाते हैं तो आपको हो सकता है कि रिवर के आसपास कहीं ना कहीं स्नो मिल जाए। लास्ट ईयर हम लोग जब गए थे तो हमें भी सिसु तक तो कहीं पर स्नो खास है नहीं थी, तो हम लोग फिर आगे की तरफ चले गए थे किलोंग के पास जाकर, रिवर के पास एक प्लेस थी वहां पर हमें काफी अच्छी स्नो मिल गई थी। तो ये भी आपके पास ऑप्शन है। ठीक है,
अगर इस तरफ भी मान लीजिए आपने जाना नहीं, तो ये हिमाचल में दो जगहें होंगी। अब तीसरा है, आप लोग हिमाचल में जा सकते हैं जलोरी पास की तरफ। बट जलोरी पास, क्योंकि जो इस बार के हालात हैं, तो काफ़ी कम चांसेस हैं कि आपको वहां पर स्नो मिले। अगर मौसम में बदलाव आता है, आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिल जाती है कि इतनी तारीख को स्नोफॉल होगी, तो जलोरी पास में अक्सर ही स्नोफॉल हो जाती है जब भी मौसम में चेंज आता है। ठीक है, तो वहां पर स्नो होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है भाई, तो ये तो होगी भी हमारी हिमाचल की बात। अब हिमाचल में वैसे तो बहुत सारी प्लेसेस हैं, बट इन जगहों पर आपको स्नोफॉल मिल सकती है। मैंने आपको बताया है नारकंडा, चितकुल, कल्पा, लाहौल वैली में आप लोग आगे तक जाइए, वहां पर आपको स्नो मिलने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। अब हम लोग आते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जो रिसेंटली स्नोफॉल हुआ है, वो दो जगहों पर मैंने स्नोफॉल की न्यूज को सुना है। सबसे पहली है उत्तराखंड में जोशी मठ के पास एक जगह आती है अभी, वहां पर ओली, ओली से आगे आती है नीति वैली। तो बिल्कुल चाइना बॉर्डर के आप लोग पास पहुंच जाएंगे, नीति वैली में स्नोफॉल हुआ है। तो नीति वैली या फिर आपको जोशी मठ में जो एक बहुत ही मशहूर हिल स्टेशन है, दैट इज दी ओली, वहां पर भी स्नो मिलने के काफी चांसेस हैं। तो आप लोग अपना प्लान कीजिए, आप लोग ओली के लिए जाइए। अगर ओली में स्नो हुई तो आगे के रास्ते ऑलरेडी ही क्लोज कर देते हैं, तो आगे तो जाना ही होगा, आप लोग ओली में एंजॉय कर लेना। अगर वहां पर स्नो ना मिली तो आगे निकल जाना। ठीक है, तो आप लोगों को नीति वैली में स्नो मिलने के काफी ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। क्लियर है? इसके बाद आती है मेरी फेवरेट, जो मुझे सबसे पसंद है जगह, उत्तरकाशी में आने वाली हर्षिल वैली। इतनी अच्छी लोकेशन है, क्योंकि जब आप लोग गंगोत्री धाम यात्रा के लिए जाते हैं तो बिल्कुल उसके पास में ही आ जाती है ये वैली। हमने पिछले साल ही गंगोत्री धाम की राइड की थी, तो हम लोग वहाँ गए थे। हर्षिल वैली बहुत ही अच्छी लोकेशन है अभी, और विंटर्स में वो आपको, वो जैसे वो कहते हैं ना कि विंटर वंडरलैंड, कुछ ऐसी जगह है वो। तो हर्षिल वैली रिसेंटली स्नोफॉल हुआ है, तो आई थिंक वहाँ पर आपको स्नो मिल जाएगी। अगर ना भी मिली तो भी वैसे इतनी अच्छी जगह है कि आपको खूब इंजॉय होगा वहाँ पर। बहुत ही अच्छी जगह है, फैमिली के साथ जाइए, फ्रेंड्स के साथ जाइए, बहुत सारे होम स्टेज हैं वहाँ पर अच्छे अच्छे बहुत ही इंजॉय होने वाला है आपका वहाँ पर। तो उत्तरकाशी में आप लोग हर्षिल वैली, अगर स्नो ना हुई ज़्यादा, रोड खुले हुए, तो आप लोग गंगोत्री के लिए भी आगे जा पाएंगे, थोड़ा सा ही आगे है वहाँ से गंगोत्री धाम। तो इसके बाद अब हम आ जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि यार विंटर्स में जो सबसे ज़्यादा मशहूर जगह होती है मनाली शिमला के बाद, सबकी जुबान पर होता है कश्मीर कश्मीर। तो इस बार भी कश्मीर में बिल्कुल नहीं हुई स्नोफॉल, जो बहुत ही ऊंचाई वाली जगहें हैं वहां पर भी काफ़ी कम स्नोफॉल हुआ है। तो कश्मीर में अगर आप लोग मेन जो श्रीनगर में जाएंगे, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग में जाएंगे, तो आपको स्नो बिल्कुल नहीं मिलने वाली। गुलमर्ग में जो सेकंड बेस होता है, ठीक है ना, गंडोला राइड का, मतलब ऊपर जाकर आपको पहाड़ के ऊपर जाकर स्नो मिलेगी, नीचे ग्राउंड पर है नहीं स्नो। पहलगाम में भी ऐसा ही है, वहां पर आपको नीचे नहीं स्नो मिलेगी। हो सकता है वहां पर आप लोगों को वहां की आरू वैली में जाकर, कुछ आगे जाकर आपको स्नो वगैरह मिल जाए। ऐसे ही सिमिलरली आपको सोनमर्ग में है कि नीचे कहीं नहीं स्नोफॉल, काफी ऊंचाई पर जाकर आपको स्नो मिल सकती है। तो जो कश्मीर का विंटर का असली जो इंजॉय होता है, जो असली व्यू होता है, नज़ारा होता है, वो नहीं मिलने वाला। तो इसलिए आई थिंक इस बार कश्मीर की तरफ काफ़ी कम टूरिस्ट जा रहा है। इसके अलावा कश्मीर में कुछ ऑफ पीट प्लेसेस हैं, जैसे कि मैंने सुना है रिसेंटली, हमने वहाँ की कुछ वीडियोस को भी देखा है, कश्मीर में एक जगह आती है पीर की गली। ठीक है, आई थिंक वो कश्मीर वैली में जो एक ओल्ड रोड था, ठीक है ना, मुगल रोड, उस पर आती है ये जगह पीर की गली। वहाँ पर काफ़ी स्नो है, वहाँ पर आप लोग जा सकते हैं। तो इसके अलावा जो भी वहाँ पर लोकेशंस हैं, दूध पत्थरी वगैरह, वहाँ पर इस बार काफ़ी कम स्नो देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो हमने रिसेंटली अपना अभी अभी किया था ट्रिप, उसमें हमने जम्मू के रीजन में, जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के जम्मू रीजन में एक जगह आती है, दैट इज़ दी भद्रवाह, वहाँ पर है एक जगह गुलडांडा, वहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा स्नो देखने को मिली। तो आप लोग भद्रवाह का टूर प्लान कीजिए, उसके आगे आता है गुलडांडा। अगर वहां पर स्नोफॉल ना हुई, उसके आगे भी आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, वहां से आगे आती है जगह छत्तरगला, ठीक है, सरथल, ऐसी जगहें हैं वहां पर आपको स्नोफॉल, वहां पर स्नो मिलने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। बाकी यार ये एरिया बहुत ही शानदार है, वहां पर हमने जय वैली देखी, चिंता वैली देखी, वैसे भी काफी पीसफुल एरिया है, बहुत ही अच्छे अच्छे वहां पर होम स्टेज हैं। तो एक ऑफ बीट प्लेस हो जाती है, और आपका फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ काफ़ी अच्छा वहाँ पर इंजॉय हो सकता है। तो ये आपके पास एक ऑप्शन है। ठीक है,
ये कुछ प्लेसेस थी जहां पर आपको स्नो देखने को मिल सकती है, अगर आपने स्नो ही देखनी है तो बाकी भी घूमना ही होता है, छुट्टियां हैं, तो आप लोग ऐसी किसी जगह का प्लान कीजिए जहां पर भीड़ भाड़ थोड़ी सी कम हो। मतलब यार जो न्यूज़ में रहती हैं हमेशा, मनाली, शिमला, कश्मीर, श्रीनगर, इनको थोड़ा सा कुछ अलग सोचिए, ताकि जहां पर आप भी कुछ शांति में नेचर को एंजॉय कर पाएं और आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स भी अच्छे से एंजॉय कर पाएं। एक और ऑप्शन है आपके पास, आप लोग भरोट वैली में जा सकते हैं, हिमाचल के कांगड़ा में पड़ती है, पालमपुर के पास। पालमपुर से आगे आप लोग जाएंगे भरोट की तरफ, यहाँ पर आपको बैजनाथ में शिव टेम्पल देखने को मिल जाएगा। फिर आप लोग भरोट से राजगुंदा चले जाएंगे, राजगुंदा से आगे भी आपको स्नो देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ प्लेसेस थी जो मैंने अपने ओर से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन बताई है कि कहाँ कहाँ पर आपको इस बार चांसेस हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग आप अपना जो आगे का प्लान कर सकते हैं। बाकी आपके लिए जल्द ही ऐसी वीडियोज आएंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग 4 या 5 दिन में किस जगह का अपना टूर प्लान करें जो कि सबसे अच्छा रहेगा। उस वीडियो को हम लोग जल्द ही आपके लिए बनाकर अपलोड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।